हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सुशील दुबे है और आज की इस क्लास में हम सेकेंड वीडियो देखने वाले हैं जिसमें हमने ईआर डायग्राम और डेटा डिक्शनरी बनाना देखना है। लास्ट वीडियो में या पिछली वीडियो में हमने देखा कि प्रोजेक्ट में डेटा कलेक्शन और प्रोजेक्ट वर्क असल में होता क्या है, किस प्रकार से दिखता है, कैसे कैसे प्रोसीजर्स उसमें अपनाए जाते हैं, उसके बारे में हमने पिछली वीडियो में देख रखा था। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि ईआर डायग्राम, डेटा डिक्शनरी और डेटाबेस जो है उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने वीडियो को और यहाँ पर देखेंगे कि ईआर डायग्राम हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले मैं बता दूं कि ईआर डायग्राम का पूरा नाम एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम होता है और ये डेटाबेस का एक का रिप्रेजेंटेशन होता है। हम डेटाबेस को ईआर डायग्राम के थ्रू इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किसी भी लॉजिकल डायग्राम को बनाने के लिए कुछ उसमें सिंबल्स होते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि किस प्रकार के सिंबल्स उसमें यूज़ किए जाते हैं। जैसे इस ये जो आपको रेक्टेंगल शेप दिख रहा है, ये एंटिटी को रिप्रेजेंट करता है। वीक एंटिटी सेट को हम डबल रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे ही यहाँ पर डायमंड शेप जो होता है वो रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है। तो एंटिटी को दिखाने के लिए आपको ये वाला सिंबल, देन रिलेशनशिप को दिखाने के लिए इस प्रकार के सिंबल्स को यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ हर एंटिटी में कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, उन एट्रीब्यूट्स को ओवल सिंबल से दिखाया जाता है। मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स को डबल ओवल से दिखाया जाता है और डिराइव्ड एट्रीब्यूट को डॉटेड ओवल शेप से दिखाया जाता है। तो ये कुछ बेसिक शेप्स हैं जिनका यूज़ ईआर डायग्राम बनाने के लिए किया जाता है। तो आप स्क्रीन पर एक छोटा सा ईआर डायग्राम देख पा रहे हैं जहाँ पर दो एंटिटीज़ हैं, जैसे स्टूडेंट एंड कॉलेज, इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो है स्टडी इन। साथ ही साथ स्टूडेंट के कुछ एट्रीब्यूट्स भी होते हैं, जैसे स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट का एड्रेस, और आप इसमें कुछ भी और एट्रीब्यूट्स भी ऐड कर सकते हैं। प्राइमरी की को यहाँ पर अंडरलाइन से दिखाया जाता है। अगर आप इसको प्राइमरी की बनाना चाहते हैं तो स्टूडेंट आईडी को आपको अंडरलाइन करना होता होगा। साथ ही साथ कॉलेज में आप देख पा रहे हैं कि कॉलेज की कुछ आईडी होगी, उसका नेम होगा। इस तरीके से दो एंटिटीज़ के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसको डायग्राम के थ्रू दिखाया जाता है। देन इससे टेबल्स एंड डेटा डिक्शनरी तैयार की जाती है। अगर आपके प्रोजेक्ट में 6-7 एंटिटीज़ हैं तो उन सभी को आपस में रिलेट करके जो डायग्राम बनता है उसी को ईआर डायग्राम कहते हैं। यहाँ स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कि कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम का एक जो ईआर डायग्राम बना हुआ है उसमें कुछ एंटिटीज़ है, जैसे हॉस्टल, स्टूडेंट, कोर्स, डिपार्टमेंट, एग्ज़ाम, सब्जेक्ट और फैकल्टीज, और इनके कुछ कुछ एट्रीब्यूट्स हैं। यहाँ पर आप मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स, प्राइमरी की और कंपोजिट एट्रीब्यूट्स वगैरह देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो हॉस्टल और स्टूडेंट के बीच में जो रिलेशनशिप बनाया गया है वो है लिविंग, स्टूडेंट और कोर्स के बीच में जो रिलेशनशिप बनाया गया है वो है एनरोल्स, कोर्स और डिपार्टमेंट के बीच में हैंडल्स, इस तरीके के रिलेशनशिप्स आपको तैयार करनी होती है। सबसे पहला ईआर डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहला जो टास्क है, आप अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो एंटिटीज़ हैं उनको आप ऐसा लिख लीजिए या अलग अलग बॉक्सेस बना लीजिए और उनके बीच में क्या क्या रिलेशनशिप्स हैं उनको आपको बस जोड़ना होता है सही सही ढंग से, तो आपका ईआर डायग्राम जो है वो बिल्कुल सही सही तैयार हो जाता है। अब अगला जो स्टेप होता है वो होता है कि आपको अपने ईआर डायग्राम को डेटाबेस में कन्वर्ट करना होता है, यानी कि ये जो आप एंटिटी, जितनी भी एंटिटीज़ आपने बनाए हैं वो एक टेबल के फॉर्म में कन्वर्ट होगी। तो चलिए मैं आपको एक एंटिटी को कन्वर्ट करके दिखाता हूँ कि कैसे हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पर कन्वर्ट करेंगे कोर्स नाम का जो एंटिटी है आपका, उसको हम टेबल में कन्वर्ट करेंगे और डेटा डिक्शनरी तैयार करेंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि कोर्स के यहाँ पर 3 एट्रीब्यूट्स बने हुए हैं, इन तीनों एट्रीब्यूट्स को हम टेबल में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप एमएस एक्सेस या अपना जो भी डेटाबेस है उसको ओपन करेंगे, और मैंने एक ब्लैंक डेटाबेस यहाँ पर ओपन कर रखा है। आप देखेंगे यहाँ पर एक भी टेबल नहीं है। क्रिएट में गए, देन टेबल्स में आप जा करके यहाँ पर टेबल क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन हमें डेटा डिक्शनरी भी तैयार करनी है इसलिए हम टेबल डिज़ाइन, अब आप यहाँ पर डेटा डिक्शनरी तैयार करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि डेटा डिक्शनरी जो है वो डेटा बेस के टेबल्स की इंफॉर्मेशन को रखता है, जिसमें फील्ड नेम एंड डेटा टाइप दो ही कॉलम होते हैं, साथ में आप डिस्क्रिप्शन भी होता है, बट ये ऑप्शनल होता है, ये दोनों चीज़ों को आपको देना होता है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि फील्ड्स आप यहाँ पर क्रिएट करेंगे डेटा बेस का, और आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि कोर्स नाम का जो टेबल है उसमें 3 ही फील्ड हैं, कोर्स आईडी जो कि प्राइमरी की है, ड्यूरेशन एंड कोर्स नेम। तो मैं यहाँ पर इन तीनों को बना देता हूँ, कोर्स आईडी जो कि प्राइमरी की होगा, देन कोर्स नेम जो कि टेक्स्ट होगा, और तीसरा जो ड्यूरेशन, तीसरा जो हमारा फील्ड होगा वो होगा ड्यूरेशन।
ड्यूरेशन चूंकि नंबर्स है इसलिए हमने इसका डेटा टाइप ले लिया। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ये जो टेबल एक छोटा सा टेबल बन के आया है जिसमें दो ही कॉलम है, इसी को डेटा डिक्शनरी कहा जाता है। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि डेटा डिक्शनरी हमारी रेडी है। अगर ईआर डायग्राम आपके पास बन के रेडी है तो डेटा डिक्शनरी बनाना काफ़ी आसान होता है। इसके बाद हम इसको प्राइमरी की कर देते हैं। आपको पता है कि प्राइमरी की हमने यहाँ पर बना लिया, हमारा डेटा डिक्शनरी और टेबल जो है वो रेडी है। इसका नाम हम रख देते हैं TBL। तो हमारा टेबल और डेटा डिक्शनरी बन के रेडी है। जब हम इसको राइट क्लिक करके ओपन करेंगे तो हमारा ब्लैंक टेबल यहाँ पर रेडी हो गया। देन जब इसको राइट क्लिक करके डिज़ाइन व्यू में जाएंगे तो डेटा डिक्शनरी हमारी रेडी हो गई है। अब आपने जो भी डेटा कलेक्ट करके लाया है, जो कि हमने पहली वीडियो में देखा था कि आपने डेटा कलेक्शन किया था, डेटा गैदर किया था थर्ड पार्टी के लिए, वो सारे के सारे डेटा को आपको यहाँ पर टाइप कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पर एक डेटा आपको टाइप करके दिखाता हूँ, ड्यूरेशन जो है वो 3 साल का होता है। वैसे ही आप यहाँ पर टूल ये आपने लिया PGDCA और इसका ड्यूरेशन 1 है। तो इस तरीके से आपने जो जो डेटा कलेक्ट करके लाया उसको यहाँ पर टेबल्स में बना लेना होता है। तो इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे हम ईआर डायग्राम क्रिएट बनाते हैं और उसके बाद उसको डेटा डिक्शनरी और उस टेबल्स में कन्वर्ट करते हैं। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि प्रोजेक्ट का DFD एंड फॉर्म डिज़ाइनिंग कैसे करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।